उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत 7 चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात आखिरकार बनती दिख रही है। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बात तमाम बाधाओं को पार करते हुए अब अखिलेश के बयान के बाद सब कुछ साफ हो गया है। मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। अंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए, आप समझदार हो। सर गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है? कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी ने, अंत भला तो सब भला, सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साफ, कोई बात नहीं, ये राजनीति कांग्रेस में जाने की, राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, क्या असर रहेगा? एक सेकंड गठबंधन नहीं होगा, क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही, उसी में तो सब कुछ निकाल लो और दो घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की, ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन? देखिए इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। बता दें कि दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंसा है। मिली जानकारी के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था, इस पर कांग्रेस अब राजी हो गयी। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी और मामूली अंतर से हार गई थी। यूपी में सपा अब तक कुल 3 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची 30 जनवरी को आई, इसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इस लिस्ट में डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। बताते चले कि 2017 में जब चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के दो लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।